हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के लिए एक न्यू बैच TGT और JVT बैच आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। अभी आपकी हाल ही में HPTET एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करवाया गया है और उसके बाद आप सभी को जो आपकी मिलान आपने कर लिए होगी और डेफिनेटली आपको इतना पता लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो TGT और JVT के लिए जो न्यू बैच में लेकर आया हूँ, स्पेशली एक किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो स्टूडेंट मेरे पास पुराने स्टूडेंट थे, ऑल स्टूडेंट थे, बेशक HPTET के या पीछे जो आपके पास जितने भी TGT के मैंने बैच लिए हैं कमीशन के लिए, स्पेशली उन सभी के लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहने वाला है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें, ये न्यू बैच आपके पास 2023 से लास्ट में आपके स्टार्ट होने वाला है। आपके 21 दिसंबर से इसको हम स्टार्ट कर देंगे और ये न्यू बैच आपके पास फुल बैच ना होकर ये रिवीजन बैच आपके रहेगा, जो कि आपके पास सिर्फ 60 डेज का रहेगा, क्योंकि 60 डेज से कम समय में कमीशन का सिलेबस पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात हम कर लेंगे कि यहाँ पे ये रिवीजन बैच है, कैसी ये क्लासेज होगी और ये क्लासेज आपके कहाँ पर मिलेगी, क्या इसका प्रोसीजर रहेगा, कितने इसकी फ़ीस रहेगी, कितने इसमें सब्जेक्ट रहेंगे, ये सारी बातें आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। नंबर ऑफ सीट्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इसमें ओनली 50 रहेगी। 50 बहुत कम सीट है मुझे पता है, और 50 इसलिए रखी गई है ताकि जो है जो स्टूडेंट मुझे मैसेज वगैरह करते हैं उनकी क्वारीज में ले पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट होने की वजह से मैं आपकी क्वारीज नहीं ले पाता और बहुत 3-4 दिन बाद आपके रिप्लाई मिल पाते हैं। तो ऐसे में मैंने डिसीजन लिया है कि सिर्फ 50 सीट्स मैं आपके यहाँ पर रख रहा हूँ, और ये 50 सीट मैं इसलिए रख रहा हूँ जो आपके पास कमीशन के बैच वन के स्टूडेंट थे, जो JVT कमीशन TGT कमीशन की जिन्होंने मुझसे प्रिपरेशन की है, दो बैच अभी तक मैं ले चुका हूँ, उसमें जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट आपके पास रिवीजन यहाँ पे कर पाए, रिवीजन उन्हीं की क्लासेस का उन्हीं को वापस रिवीजन मिलेगा। तो 100 डेज के आसपास बैच मैंने लिए थे, तो 60 डेज में हम इसको कवर कर लेंगे, और इतना तय मानकर चलिए कि 60 डेज के अंदर आपका TGT कमीशन JVT कमीशन दोनों एग्ज़ाम आपके नहीं होने वाले हैं, बेशक हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का गठन आपके हो चुका है, हालांकि उसकी भी रिपोर्ट आनी बाकी है। हो सकता है कि इस वीडियो के भी दिन जब आप देख रहे हो उसमें रिपोर्ट भी आपकी सबमिट हो जाए, लेकिन तब भी एग्ज़ाम लगभग आपके पास तय है कि फरवरी के एंड या फिर मार्च के आसपास आपके देखने को मिलेगा। तो हमारा ये टारगेट रहेगा कि लगभग फरवरी में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जब तक 60 डेज का, 60 डेज में ऐसे कह रहा हूँ, अगर पॉसिबल हुआ 60 से 70 भी एक हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 60 डेज का रहेगा। और इसकी फ़ीस कितनी रहेगी, फ़ीस का सभी को रहता है, फ़ीस मार्केट में आपको पता है कितनी आपकी फ़ीस है, लेकिन ये रिवीजन बैच है और यहाँ पे एफर्ट मेरे बहुत कम रहेंगे, तो आपके 2000 फीस आपकी रहेगी ओनली। और यहाँ पर आपको पेमेंट कैसे करनी है, पेमेंट के लिए ये नंबर आपका रहेगा 9817-83916। मैं आपके सामने से हट जाता हूँ, इस नंबर को आप देख लीजिए, 9817-83916 ये नंबर रहेगा। इस नंबर पर आपको गूगल पे फ़ोनपे आपको अवेलेबल रहेगा, आप चाहे तो QR कोड भी हमको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्लासेज में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर किए जाएंगे TGT आर्ट्स और JVT कमीशन के लिए। यहाँ पर याद रखिए, JVT कमीशन के लिए आपके मैथ की क्लासेज नहीं होगी, हिंदी की क्लासेज आपके नहीं होगी। TGT अगर मैं बात करूँ कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास हैं, टोटल यहाँ पर 9 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड रहेंगे, जिसमें आपके पास यहाँ के साइकोलॉजी सेक्शन, आपके हिस्ट्री, साइकोलॉजी की जब भी बात की जाए कि साइकोलॉजी की कंप्लीट क्लासेज, जो कि हालांकि HPTET के लेवल की आपके पास होगी, क्योंकि HPTET के लेवल का आपका सिलेबस रहता है JVT में भी TGT में भी। इसमें एडिशनल क्या है, एडिशनल आपके पास इसमें फिलोसफी के आपको 2 लेक्चर मिल जाएंगे, और एजुकेशनल जो कमीशन आपके हैं उसके लेक्चर भी आपको साइकोलॉजी के अंदर ही इंक्लूड आपको किए जाएंगे। दूसरी बात, आपके पास हिस्ट्री सेक्शन के, हिस्ट्री सेक्शन के आपके कंप्लीट आपको यहाँ पर लेक्चर मिल जाएंगे, और इसमें आपके पास जो आपके पास एशियन हिस्ट्री है उसकी बेसिक चीज़ें यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और मॉडर्न हिस्ट्री के थोड़े से आपको डेप्थ में जाकर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लेक्चर। पॉलिटी के आपके पास कंप्लीट लक्ष्मीकांत आपको कवर यहाँ पे की जाएगी। जियोग्राफी के कंप्लीट आपको 9 लेक्चर, पॉलिटी के भी लगभग आपके पास 8-9 लेक्चर आपके पास हैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और जियोग्राफी की अगर मैं बात करूँ, जियोग्राफी के 9 लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साइंस की अगर मैं बात करूँ, साइंस के आपके पास 4 लेक्चर, इसमें आपके पास बायो है, बायो आपके कवर किया जाएगा, जनरल साइंस आपके कवर किया जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये चीज़ें आपके यहाँ पे कवर होगी साइंस के अंदर। रीजनिंग के ऑलरेडी आपके पास 2 लेक्चर रहेंगे, और ये 2 लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इको की अगर मैं बात करूँ, इको का अभी लेक्चर आपके रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड आपके अभी नहीं हुए हैं, अगर ये रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं और मानकर चलिए कि मैं मुझे समय नहीं लगा इसको रिकॉर्ड करने का, तो डेफिनेटली ये ऑनलाइन फिर आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आपको मैंशन कर दूँ, ये जो क्लासेज है ये रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड का मतलब है कि पहले जो आपके पास TGT आर्ट्स कमीशन का पहला बैच था उनकी क्लासेस रिकॉर्ड की गई है। उसमें आपके पास पॉलिटी के लेक्चर आपके रिकॉर्ड किए गए हैं, आपके साइकोलॉजी के रिकॉर्डेड है, आपके हिस्ट्री के रिकॉर्डेड है, जितनी भी ये क्लासेस हैं ये पूरा रिवीजन बैच 60 डेज का ये रिकॉर्डेड है।
एक बात यह है। दूसरी बात, आपको मैं रिकॉर्डेड क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों मैं इस बार ऑनलाइन नहीं ले पा रहा हूँ, टीजीटी आर्ट्स और जीवडी कमीशन का बैच में ऑनलाइन क्यों नहीं लेकर आया, या फिर मुझे क्यों सही लगा कि रिकॉर्डेड आपके लिए प्रोवाइड कराना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे एचपीजीके के बेसिक, इसमें सिर्फ आपको 4 से 5 लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। हालांकि 1000 क्वेश्चन की सीरीज भी बीच बीच में आपको कुछ एक वीडियोस वगैरह है, जैसे आपके रिवर्स की है, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। इसके अलावा हिंदी की आपको मैं एक पीडीएफ दूंगा हिंदी के नोट्स की। तो यहाँ पे हिंदी के 1 से 2 लेक्चर वैसे तो रिकॉर्डेड है, लेकिन उसको प्रोवाइड करने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि पीडीएफ जो मेरे पास है हिंदी सेक्शन की, वो आपके कमीशन के हिसाब से ही बनाई गई है। तो पीडीएफ को अगर आप एक बार गो थ्रू कर लोगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ये वाले 9 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं। रीजनिंग के ऑलरेडी यूट्यूब पर 2 लेक्चर हैं, वही लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इसमें। इसके अलावा साइंस के लेक्चर, ये सारी जो वीडियोज़ है, या वीडियो आपके यूट्यूब वाली नहीं है, हालांकि लिंक आपको यूट्यूब के ही प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन ये यूट्यूब के ओपन लिंक नहीं है, ये प्राइवेट वीडियोस हैं जो कि आपके पास सिर्फ क्लासेस वाले स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये लेक्चर आपको मैं यहाँ पे फिर से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। रिकॉर्डेड ये बैच रहेगा, 16 डेज़ का आपके पास है, 16 डेज़ में इसको हम कवर कर लेंगे। जिनका पहले देखिए कौन स्टूडेंट आपके बैच ज्वाइन करेगा, ये बात आप पहले ध्यान से सुने। ऐसा नहीं कि आप न्यू स्टूडेंट हो और आपने प्रिपरेशन अभी नहीं की है और आप सीधे 16 डेज वाले बैच में आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, मुझे नहीं लगता कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। सिर्फ वही स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे जो तो मेरे पिछले टीजीटी आर्ट्स कमीशन और जीवीटी कमीशन के बैच में पहले थे, एक वो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। दूसरे जो एचपी टेट की प्रिपरेशन ऑनलाइन कर चुके हैं, जिन्हें पता है कि किस तरह से पढ़ना है और मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो समझ में आ रहा है या समझ में आता है, वो वाले चीज़ें स्टूडेंट यहाँ पे 50 स्टूडेंट आपके जो भी पहले आएंगे, यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला आपके सिस्टम रहेगा। पहले 50 जो आ जाएंगे उनको यहाँ पे सीट प्रोवाइड की जाएगी। और 16 डेज में मैं आपको ये लगभग ये कहकर चलिए, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ रिकॉर्डेड जो आपके पास ये कोर्स है, इस रिकॉर्डेड कोर्स में फुल आपके कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सब्जेक्ट आपके रह जाएंगे, जैसे कि करंट अफेयर नहीं हो पाएगा आपका पूरा कवर, ये रह जाएगा आपका, कुछ चीज़ें आपकी रह जाएगी, करंट अफेयर नहीं हो सकता पॉसिबल। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास इंग्लिश सेक्शन है, इंग्लिश के आपके पास कोई लेक्चर नहीं है, इंग्लिश के आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, इतना मैं कर सकता हूँ। इंग्लिश के नोट्स में दे दूंगा और हिंदी के नोट्स, हिंदी और इंग्लिश इन दोनों के मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स बिल्कुल बेसिक है, ग्रामेटिकल आपके रहेंगे, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली वो हेल्प भी करेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इंग्लिश का तो सेम ही आपका रहता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर सेक्शन आपके पास है, ये आप पर डिपेंड करता है कितनी आप प्रैक्टिस में कर पाओ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर, इसकी हम बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा कि इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊंगा कि कैसे ये प्रोवाइड होगी, क्या सिस्टम है। तो जैसे ही आप फीस पे करोगे 2000 रुपीज़ आपकी फीस रहेगी, ओल्ड है कोई न्यू स्टूडेंट है सभी के लिए आपकी फीस सेम रहेगी, ठीक है, इसमें कोई पार्शियलिटी आपकी नहीं है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड है तो सभी आप इसमें जो है पूरी तरह से इसको यूटिलाइज आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद यही नंबर 9817783916 ये व्हाट्सअप नंबर रहेगा, कॉल इस पे अवेलेबल नहीं है। अगर आप कॉल करोगे तो आपके पास यहाँ पे बता दिया जाएगा कि इस नंबर पर कोई भी कॉल सुविधा उपलब्ध है ही नहीं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपने मैसेज करना है। मैसेज करने के बाद आपने पूछना सीट अवेलेबल है टीजीटी आर्ट्स कमीशन न्यू बैच, आपकी जो रिवीजन बैच है या रिकॉर्डेड बैच, आप जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो मैं यस अगर आपको कहूँगा तो आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप पर भेजना है। इसके बाद एक ग्रुप आपके जो बनाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपको ऐड किया जाएगा, और उसी ग्रुप में जो क्लासेज आपकी आएगी 21 दिसंबर से क्लासेज आपकी आएगी। अगर ये सीट्स 50 जल्दी भर जाती हैं तो हो सकता है कि क्लासेज जल्दी भी आपके स्टार्ट की जाए, वो फिर ग्रुप में इंस्ट्रक्शन आपको समय समय पर दी जाएगी। अच्छा, अब आपको जो लिंक मिलेंगे कैसे मिलेंगे, क्या सिस्टम रहेगा, कब से कब तक आपको लिंक मिलेंगे, और इसमें लिंक मिलने के बाद कब तक उसको आप देख पाओगे, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, वो चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। मान लीजिए कि पहला आपकी क्लास जो है साइकोलॉजी का, मैंने लिंक आपको आज प्रोवाइड किया, ये लिंक आपको ओपन रहेगा। कब तक ओपन रहेगा, लगभग ये मानकर चलिए कि आपको ये लिंक जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये वाला जो मैं रिकॉर्डेड बैच इसीलिए लेकर आया, देखिए इस बात की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे रिकॉर्डेड बैच आपके कितना हेल्पफुल रहेगा, ये आप ये मानकर चलिए कि रिकॉर्डेड बैच से लगभग आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के लिए, और ये बैच आपके पास एग्जाम तक चलने वाला है। यानी कि मैं कहूं कि अगर मैंने आज साइकोलॉजी का पहला लेक्चर आपको दिया, तो ये पहला लेक्चर आप कब तक देख पाओगे, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो पाता। यहाँ पे पॉलिटी का जो आपके पास ये रीजनिंग के जो लेक्चर है, साइंस के लेक्चर है, जियोग्राफी के जो लेक्चर है, पॉलिटी आपके पास इसमें कंप्लीट रहेगी, हिस्ट्री अगर आप देखें हिस्ट्री कंप्लीट रहेगी, साइकोलॉजी कंप्लीट आपके पास है, साइंस कंप्लीट आपके पास है, इको आपके पास एक चीज़ है, इको में थोड़ा एक्सेप्शनल आपने याद रखना, अगर पॉसिबल नहीं हुआ रिकॉर्ड करना इको के लेक्चर, तो इसकी डेफिनेटली आपको मैं रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड ना करवाकर इसकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए मैं आपको एक टीचर प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन ये आपको मैं करवा दूंगा इको सेक्शन, इसका कोई इशू आपके रहेगा नहीं। और हिंदी की पीडीएफ और आपके पास
इंग्लिश की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। तो हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर आप देखें तो टोटल आपके पास 10 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट तो आपके हो गए, और बाकी आपके पास करंट अफेयर 11 सब्जेक्ट आप मानकर चलिए करंट अफेयर को। तो यही तो है, टीजीटी और जेबीटी में यही तो आता है। जेबीटी में एक्स्ट्रा क्या आएगा, जेबीटी में एक्स्ट्रा मैथ आने वाला है, बाकी तो आपका कंप्लीट यही है। अब देख लीजिए, अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी है, और एक और अच्छी बात यह है कि ये आपके पास जो लेक्चर जो मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ इसको आप एग्जाम तक देख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आज मैंने आपको क्लास प्रोवाइड की तो इसको आप एक दिन दो दिन या तीन दिन चार दिन, ये ऐसा मैं एचपी टेट के बैच के लिए रखता हूँ ये वाला, कि आप दो दिन के अंदर चार दिन के अंदर या एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आप इसको एक क्लास को देखना होगा। वो इसलिए क्योंकि एचपी टेट बहुत बेसिक एग्जाम है और उसके लिए आपको थोड़ा सा ओरिएंटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रेजेंट आपको रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी आप स्टूडेंट्स को यूटिलाइज कर पाओगे क्लासेस को जो रिकॉर्डेड में देता हूं। अगर आप एचपी टेट के किसी बैच में थे रिकॉर्डेड वाले तो उस हिसाब से ये नहीं है, क्योंकि ये कमीशन का है और यहां पर आपको समझना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। एग्जाम ऐसा भी नहीं है कि आपके सीधा मार्च में ही जाकर होने वाला है, हो सकता है कि एग्जाम चलकर सीधा आपके मई तक चले जाए, आपके पास जून तक भी चला जा सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो यहां पर ये ओपन बैच इसलिए मैं रख रहा हूं कि ये 16 डेज के लगभग आसपास आपके सब्जेक्ट रहेंगे, और जब एक बार लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, मान लीजिए 60 लेक्चर मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवा दिए आपके ग्रुप के अंदर, जो ग्रुप आपका बनेगा, तो यहां पर आपको ऐसा नहीं है कि 60 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं कि आगे आपको कोई कंटेंट नहीं दिया। हो सकता है कि जैसे आपके पास करंट अफेयर का एक अलग से ग्रुप मेरे पास बना है, जो पुराने स्टूडेंट उनको पता है, करंट अफेयर के बीच बीच में आपको मैं पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाता रहूँगा, जैसे कि अभी नवंबर आपके लास्ट है या फिर दिसंबर आपके पास फर्स्ट वीक में आप वीडियो देख रहे हो, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो जो उस समय करंट अफेयर चल रहा होगा वो करंट अफेयर आपको हो सकता है कि साथ साथ आपको मिलता रहे, कंटेंट इसमें मिलता रहेगा। 60 लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आप फिर से वापस जाना, वापिस आपको ये लेक्चर के सारे लिंक आपको मिल जाएंगे ग्रुप में, वही लेक्चर के लिंक आप दोबारा यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्योंकि ये लास्ट है, मैंने वैसे तो ऑनलाइन मैंने पहले कहा था कि ऑनलाइन मैं इसके बाद नहीं लूँगा, तभी तो मैं रिकॉर्डेड लेकर आया, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि वापस रिवीजन किया जाए, तो रिवीजन इनके थ्रू आप कर लीजिए, ये कंप्लीट मैं आपको प्रोवाइड की जाऊँगा। ऐसा नहीं है कि इसमें 100% आपका कवर होगा, ये मानकर चलिए कि 70 से लेकर लगभग 80% के आसपास यहाँ पर आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ। झूठ मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट के साथ कभी भी गलत आपके नहीं किए जानी चाहिए कमिटमेंट। अब मैं इतना कह रहा हूँ 70 से 80% आपका यहाँ से हो जाएगा, जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ने वाला कंटेंट यहाँ पर है। अब इसमें से कितना आता है कितना नहीं आता है, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखो तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। ये कमीशन का एग्जाम है, कोई एचपी डेट का नहीं कि डायरेक्ट आपके 60 क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएंगे, मैं कहूँगी यार डायरेक्ट आपके पास 40 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपका बेसिक क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर है तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कीजिए, अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फिर इसको बेशक आप बिल्कुल मत ज्वाइन करना, फिर आप बेशक अपने बेसिक क्लियर कीजिए। और क्योंकि ये लास्ट बैच है, इसके बाद मुझसे उम्मीद मत रखना, कोई रिकॉर्डेड वगैरह भी नहीं आएगा, और ये टिल आपके एग्जाम तक इसको मैं लिंक ओपन रखूंगा। एग्जाम कब होता है मुझे नहीं पता, साल बाद भी होगा तब भी आपको ये लिंक आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड रहेंगे, तो आप इसको देख सकते हैं जब एक बार 60 लेक्चर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वापस खुद से आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, एक और बात, कुछ एक स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहती है, कई बार उनका डाटा वगैरह हो जाता है डिलीट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ये क्योंकि आपके पास कमीशन का बैच है, तो कमीशन के बैच के लिए आपको थोड़ा एक्टिव भी रहना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको चुस्त रहना पड़ेगा। अगर आपका डाटा डिलीट भी हो जाता है कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर देना और कह देना कि सर डाटा डिलीट हो गया है। तो मिनिमम दो बार आपको मैं वापस सारे लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, जितने भी आपके ग्रुप में आए होंगे वो पर्सनली भी मैं आपको दो बार आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अब दो बार से ज़्यादा अगर आप मुझे फिर कहोगे कि इस बार फिर से डिलीट हो गया है, तो फिर आप केयरलेस हो, फिर तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर उसके बाद मैं प्रोवाइड आपको नहीं करूँगा। मिनिमम दो बार अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है, आपका फ़ोन गुम हो जाता है, गलती से डाटा डिलीट हो जाता है, तो मैं आपको दोबारा ये सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, इसका कोई इशू नहीं रहेगा। तो उम्मीद है कहीं ना कहीं आपके लिए ये बैच आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और मेरे पास जो पुराने स्टूडेंट थे या न्यू स्टूडेंट भी आपके पास हैं जो चाह रहे हैं कि कमीशन की तैयारी करनी है, जिनको लगता है कि एचपी टेट उनका इस बार हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप चाहे तो यहाँ पर मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।